गिटार के लिए बोल तो दिया लेकिन गिटार हमें अभी तक मिला नहीं है। सही बात है, हमें बिठा के रखा हुआ है। ये भी वेट में है, मैं भी वेट में हूँ। हम तो अपना ब्लॉग पूरा कर रहे हैं इस बहाने। हेलो गाइस, अब हम आ गए। आज हम आए हैं भार्गवा म्यूजिक लाजपत नगर के शोरूम स्पेशली इनका गिटार लेने के लिए, फेंडर का। अभी तक हमें मिला नहीं। चल के आए हैं सुबह सुबह, भाई का टाइम बड़ा मुश्किल से निकला और आज हम लोग यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं। अपने आपको देख रहे हैं कौन कौन से गिटार हैं यहाँ पे। काफ़ी वैराइटीज अवेलेबल हैं पर जो हमें चाहिए वही अवेलेबल नहीं है, बस उस चीज़ को देखा जा रहा है। और एक जगह में लगे हुए हैं मैंने, अभी देखते हैं। पीछे बहुत प्यारा म्यूजिक बज रहा है जो हमारे कानों को बहुत अच्छा सुकून दे रहा है। गिटार हमें अभी तक मिला नहीं है। सही बात है, हमें बिठा के रखा हुआ है। ये भी वेट में, मैं भी वेट में हूँ। हम तो अपना ब्लॉग पूरा कर रहे हैं इस बहाने, नहीं मिला तो चले जाएंगे यहाँ से। बिल्कुल, फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा आई थिंक पटेल नगर। हाँ, वहाँ पे अच्छी अच्छी शॉप ढूंढेंगे, अच्छी देखेंगे कहाँ पे क्या मिलता है। लेकिन तब तक आप इतने आप लोग यहाँ तक इंस्ट्रूमेंट पे देखो कौन कौन से हैं, बढ़िया बढ़िया दिखाते हैं। बढ़िया से बढ़िया इंस्ट्रूमेंट्स रखे हैं, जो इंस्ट्रूमेंट तो हम ही हैं बहुत क्लासिक। और एक बहुत अच्छा पीस मिला है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये सिर्फ एक साइड है, हम एक साइड है शॉप। बिल्कुल, तुम क्यों नहीं आ रहे फिर भाई? मेन बंदे तो तुम ही, तुम्हारी वजह से तुम दिल्ली आए हो। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो ये यहाँ पे भाई सारे इनके अवेलेबल हैं। और यहाँ पे एक बहुत बढ़िया चीज़, मेरा प्यार बचपन का पियानो, और यहाँ पे सब कुछ रखा हुआ है भाई। देखो ये दूसरा प्यार वायलिन, और ये इनका प्यार ड्रम। तो आइटम सारे बढ़िया हैं, बस इंस्ट्रूमेंट लवर होना चाहिए कोई, वहाँ से जाने का मन नहीं करेगा उसका। बस जो सुबह आके बैठ जाए और शाम तक टेस्ट ही करता रहे हर दिन। बस हाँ, पानी ने तो गिटार दिया नहीं, नाम ने उससे लिया, वो दे रहा था मैं थोड़ा सा कॉस्टली। और दूसरी बात ये, इनकी मन को नहीं चढ़ा वाला जो इन्हें चाहिए था। तो अब हम जा रहे हैं राज म्यूजिकल पटेल नगर। कॉस्टली तो नहीं कहेंगे बट एक्चुअली वो जो रेट कोट कर रहा था वो जेन्युइन थे, बट एक्चुअली वो दो घंटे लगा रहा था और हमें घर वापस जाना है और हम पे इतना टाइम है नहीं, इसलिए तो इसलिए हम दूसरे शॉप पर जाके देख रहे हैं अगर वहाँ अवेलेबिलिटी होगी हैंड टू। गाड़ी ऐसे चलाना कि हम जिंदा पहुंचे। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। थकान भरा दिन, ध्यान गाड़ी पे ही है। थकान भरा दिन और मैंने भाई का आज बहुत टाइम वेस्ट कराया। अरे नहीं नहीं, म्यूजिक के लिए तो क्या टाइम वेस्ट, चीज़ बट चलो चीज़ मनपसंद मिल गई। हाँ। और जो हम घर से सोच के निकले थे हमें वो मिल गया एटलीस्ट। हाँ, बस गिटार हमने कौन सा लिया ये हम बाद में दिखाएंगे, बाद में आपको डिस्क्लोज करेंगे। बट अभी तो हमने बढ़िया वाला अपना अपने थकान कर लिया, अभी तो बस चाय चाहिए बढ़िया वाली, तब कुछ होगा। बढ़िया चाय और उसके साथ दो बिस्किट बस। भार्गव पे हमें जो चाहिए था वो हमें मिला नहीं, हालांकि हम सोच रहे थे कि वहाँ से अच्छा हमें मिल जाएगा लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। और हमारे दो घंटे
पूरा दिन बर्बाद कर दिया हमने, दिन बर्बाद कर दिया गिटार के पीछे। और नहीं बर्बाद तो नहीं है भाई, क्या हाँ मतलब लेकिन थकान भरा दिन था बहुत ज्यादा। लाइटनिंग यहाँ पे क्या क्या बताएं हमारे साथ क्या खराब, मतलब क्या क्या हुआ, लाइटनिंग थोड़ी खराब है, प्लीज बियर विद अस। आई थिंक हमें बंद, अब हमें अंधेरे में देखो, कोई बात नहीं, आवाज सुनो हमारी। बस दुख दर्द हमारे बहुत है भाई, दो बार तो हमने मेट्रो में पागलपन कर दिया। हम एक बार, हमें जाना था कहीं और, हम दूसरी मेट्रो बोर्ड करके अपने आप को बहुत ज्यादा चैंपियन, दो स्टेशन पार करने के बाद रियलाइज हुआ कि हम उल्टा जा रहे हैं, सोचो। और अब के बाद हमारे पास दो दो गिटार भी हैं, दोनों गिटार हाथ में उठा उठा के घूम रहे हैं। ये है हमारा दुख, आगे लाइट आएगी हम दिखेंगे तब तब। बाय बाय।